बल्क ड्रग पार्क की DPR तैयार, 30,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद बल्क ड्रग पार्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। अधिकारियों का एक दल निवेशकों को निवेश का न्योता देने के लिए हैदराबाद, मुंबई और अहमदाबाद का दौरा करेगा। 2 हफ्ते के रिकॉर्ड समय में लगभग 1,923 करोड़ की लागत के पार्क की DPR तैयार कर ली गई है। इसमें 1,000 करोड़ रुपये का अनुदान केंद्र सरकार देगी। DPR तैयार करने में ना तो कोई परामर्शी नियुक्त किया गया और न ही इस पर अतिरिक्त धनराशि खर्च की है। राज्य सरकार को बुधवार को यह रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बल्क ड्रग पार्क में लगभग 50,000 करोड़ रुपये का निवेश अपेक्षित है। इसमें लगभग 30,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। देश भर के फार्मा उद्योगों की एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मांग को भी यह पार्क पूरा करेगा। हिमाचल के कुल्लू में राजू ने हंसाए थे दर्शक, हास्य कलाकार के देहांत से गम में प्रशंसक। बॉलीवुड के मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के देहांत से देश दुनिया के साथ कुल्लू के प्रशंसक भी गम में हैं। प्रशंसकों ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि जिला कुल्लू में भी हास्य कलाकार अपने प्रशंसकों को हंसा चुके हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में लालचंद प्रांतीय कला केंद्र में करीब 1 घंटा अपनी प्रस्तुति दी थी। वे साल 1994 में दशहरा उत्सव में बतौर हास्य कलाकार आए थे। वहीं उनके प्रशंसकों ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि उनके स्टार कलाकार दुनिया को छोड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि वे उनके हंसमुख अंदाज को कभी भुला नहीं पाएंगे। उनकी यादें उनके दिल में हमेशा जिंदा रहेंगी। रोहतांग बारालाचा दर्रा में बर्फबारी, मनाली ले हाईवे बंद, मनाली में पुलिया बही। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग और बारालाचा दर्रा समेत ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। वहीं कुल्लू, शिमला व अन्य क्षेत्रों में झमाझम बारिश दर्ज की गई है। बारालाचा और तंगलंगला में 10 सेंटीमीटर ताजा बर्फबारी होने से मनाली ले मार्ग को सैलानियों सहित सभी तरह के वाहनों के लिए बंद कर दिया है। मनाली से जाने वाले वाहनों को आगामी आदेशों तक दारचा में रोका जाएगा। लाहौल स्पीति प्रशासन मौसम के हालात को देखते हुए सतर्क हो गया है। प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर मनाली ले मार्ग को अगले आदेश तक पर्यटकों के लिए बंद कर दिया है। वहीं बारालाचा दर्रा सहित जांस्कर व शिंकुला की ओर जाने वाले पर्यटकों को भी दारचा में रोक दिया है। शिंकुला दर्रे में बीती रात से भारी बर्फबारी हो रही है। हिमाचल कैबिनेट बैठक में PM की मंडी रैली पर होगी चर्चा, इन फैसलों पर लगेगी मुहर। हिमाचल कैबिनेट की बैठक गुरुवार सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में होगी। बैठक में कई बजट घोषणाओं पर मुहर लग सकती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के संबंधित संस्थानों को भी स्तरोन्नत करने की मंजूरी मिलेगी। बैठक में 4,785 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती पर फैसला हो सकता है। बल्क ड्रग फार्मा पार्क की DPR को अंतिम रूप देने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 सितंबर को प्रस्तावित मंडी रैली के संबंध में चर्चा हो सकती है। युवा विजय संकल्प रैली के लिए हिमाचल सरकार ने झोंकी ताकत, प्रदेश भर से लगेंगी 2,500 बसें। हिमाचल प्रदेश के मंडी के ऐतिहासिक पंडल मैदान में 24 सितंबर को प्रस्तावित युवा विजय संकल्प रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 2 घंटे रुकेंगे। 11 बजे प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर कांगड़ी हेलीपैड पर उतरेगा। उसके बाद PM गाड़ी से रैली स्थल पर पहुंचेंगे। चुनावी शंखनाद के बाद 1 बजे तक PM की वापसी होगी। इस रैली में करीब 1,00,000 युवा हिस्सा लेंगे। रैली को सफल बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। CM जयराम समेत हिमाचल का शीर्ष नेतृत्व तैयारियों के लिए मंडी में डेरा जमाए हुए है। मुख्य सचिव RD धीमान और DGP संजय कुंडू ने बुधवार को रैली स्थल पड्डल में व्यवस्था जांची। प्रदेश भर से युवाओं को लाने और ले जाने के लिए करीब 2,500 सरकारी और निजी बसें लगेंगी। हर मंडल को निजी बस यूनियन 5 बसें अपनी ओर से मुहैया करवाएगी। एशिया कप के लिए हिमाचल के क्रिकेटर रेणुका का टीम इंडिया में चयन। हिमाचल प्रदेश की क्रिकेटर रेणुका ठाकुर T20 महिला एशिया कप में टीम इंडिया से खेलेंगी। प्रतियोगिता 1 अक्टूबर से बांग्लादेश में खेली जाएगी। BCCI ने बुधवार को एशिया कप के लिए टीम की घोषणा कर दी है। टीम में हिमाचल की रेणुका ठाकुर को भी जगह दी गई है। वह भारतीय पेस आक्रमण की अगुवाई करेंगी। टीम में चयन के साथ रेणुका के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। रेणुका पहली बार एशिया कप में भारतीय टीम का हिस्सा होंगी। रेणुका फिलहाल इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में टीम के साथ हैं। टीम यहीं से बांग्लादेश के लिए जाएगी। प्रतियोगिता में भारत का पहला मुकाबला श्रीलंका के साथ है। विद्यालयों में शिक्षकों के खाली चल रहे पदों पर शिक्षा सचिव को नोटिस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों पर कड़ा संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में जवाब तलब किया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई 27 सितंबर को निर्धारित की गई है।
शिमला ग्रामीण की 3 पंचायतों के स्कूलों में शिक्षकों के 46 पद वर्षों से खाली पड़े हैं। यह मामला स्थानीय निवासी पुष्पेंद्र कुमार ने याचिका के माध्यम से अदालत के समक्ष लाया है। आरोप लगाया गया है कि पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र के छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने में राज्य सरकार विफल रही है। याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई कि स्कूलों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए राज्य सरकार को जरूरी आदेश दिए जाएं। आरोपी युवकों को शिमला लाने की तैयारी में पुलिस, जाने वजह। खरड़ स्थित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के मामले में शिमला के रोहड़ू से गिरफ्तार सनी और ढली से गिरफ्तार अंकेश को मोहाली पुलिस पूछताछ के लिए शिमला लाने की तैयारी में है। यह मामले से जुड़ा रिकॉर्ड हासिल किया जाएगा और दोनों युवकों और उनके दोस्तों के बैंक खाते खंगाले जाएंगे। उनके मोबाइल फ़ोन से भी रिकॉर्ड लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहां दोनों युवकों के घर जाकर भी जांच की जा सकती है। यह भी चेक किया जाएगा कि कहीं वीडियो वायरल करने से जुड़ा कोई लेन देन इनके खातों में तो नहीं हुआ है। हालांकि DSP मंगतराम ठाकुर ने बताया कि आरोपी दोनों युवकों को शिमला लाकर पूछताछ करने को लेकर पंजाब पुलिस ने अभी कोई संपर्क नहीं किया है। एक हफ्ते से बन रही थी लड़कियों की वीडियो, छात्रा ने किया खुलासा। पंजाब के मोहाली स्थित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो बनाने वाले केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब पंजाब पुलिस की SIT की जांच में पता चला है कि आरोपी छात्रा एक हफ्ते से लड़कियों की वीडियो बनाकर अपने दोस्तों को भेज रही थी। जानकारी के अनुसार SIT ने पुलिस रिमांड के दूसरे दिन आरोपी छात्रा और उसके दो दोस्तों सनी मेहता और रंकज वर्मा से पूछताछ की। SIT ने पहले तीनों से अकेले पूछताछ की और फिर तीनों को एक साथ बिठाकर सवाल जवाब किए। तीनों से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की गई। इस दौरान तीनों से 150 सवाल पूछे गए। बताया जा रहा है कि आरोपी छात्रा से करीब 3 घंटे पूछताछ की गई। इस दौरान छात्रा ने कई और लड़कों के भी नाम लिए हैं। पूरी पूछताछ की वीडियोग्राफी की जा रही है। फिलहाल SIT ने आरोपी छात्रा का लैपटॉप फोरेंसिक लैब की जांच के लिए भेज दिया है और तीनों आरोपियों की मोबाइल कॉल्स की डिटेल निकलवाई जा रही है। महिला चपरासी ने चाय क्या नहीं पिलाई, लेक्चरर ने जड़ दिए थप्पड़। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के उपमंडल बंगाणा के एक सरकारी स्कूल में चाय न देने पर प्रवक्ता ने महिला चपरासी को शिक्षकों के सामने थप्पड़ जड़ दिए। पीड़ित महिला ने इस संबंध में थाना बंगाणा में शिकायत की है। पीड़ित महिला की थाने में दी गई शिकायत के मुताबिक पाठशाला का एक प्रवक्ता उसे चाय बनाने के लिए कह रहा था, जबकि महिला प्रधानाचार्य के कमरे में एक शिक्षक की ज्वाइनिंग के सिलसिले में दस्तावेजों को दे रही थी। प्रवक्ता ने महिला को तुरंत चाय देने की बात कही। महिला के मना करने पर उक्त शिक्षक ने महिला को 2 थप्पड़ स्टाफ रूम में अन्य शिक्षकों की मौजूदगी में जड़ दिए। इस मामले को लेकर महिला ने स्कूल के प्रधानाचार्य से शिकायत लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। महिला ने अगले दिन स्कूल की SMC कमेटी को इस घटना की सूचना दी। महिला ने आरोप लगाया कि SMC कमेटी व स्कूल स्टाफ इस संबंध में महिला की कोई सहायता नहीं कर पाए। पीड़ित महिला ने कहा कि वह SMC कमेटी व स्कूल स्टाफ के कहने पर थप्पड़ मारने वाले शिक्षक से माफ़ी मांगने की अवज में मामले को समाप्त करने के लिए सहमत हो गई, लेकिन उप शिक्षक ने पीड़ित महिला से माफ़ी नहीं मांगी। वहीं पुलिस इस मामले की गहनता से छानबीन करेगी। PM मोदी ने सालाना 2 करोड़ रोजगार देने का वादा कर युवाओं से किया दगा। रोजगार के मसले और मामले पर किसने देश और प्रदेश के युवा वर्ग को गुमराह किया है, किसने सालाना 2 करोड़ रोजगार देने का वादा कर युवा वर्ग से दगा किया है, 8 वर्षों से लगातार बेरोजगारी की मार झेल रहा युवा BJP की दगाबाजी को भूला नहीं है। यह बात प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने कही। राणा सुजानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाओं में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल में अब जवाब वह युवा वर्ग देगा जिसकी सेना में भर्ती का एक हक BJP ने छीना है। उन्होंने कहा कि PM हो या CM, प्रदेश के नौजवान व उनके अभिभावक BJP से यह जानना चाहते हैं कि आखिर उन युवाओं का क्या कसूर था जिन्होंने वर्षों की मेहनत करके खुद को सेना की भर्ती के लिए तैयार करते हुए तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली थी। राणा ने कहा कि किसका नामोनिशान मिटेगा और किसका नामोनिशान बचेगा, इसका ट्रेलर प्रदेश में BJP उपचुनाव में देख चुकी है और अब आने वाले समय में पूरी फिल्म BJP देखेगी।